देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर बरेली से है। दरअसल बरेली में नेशनल हाईवे पर विधायक के गनर के आतंकी करतूत को जब एक पत्रकार ने कैद करना शुरू किया तो 131 विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सिंह के इशारे पर विधायक के गनर ने पत्रकार वाजिद हुसैन को न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि पत्रकार को बुरी तरह से लात घूसों व डंडों से पीटा और पत्रकार के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर मुख्यमंत्री योगी के सपनों में बनी गड्ढा मुक्त सड़क पर पटक पटक कर तोड़ डाला। सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक विक्रम सिंह के गनर का जब इतने से भी मन ना भरा तो दोबारा फिर मारते हुए बोला कि तुझे खबरें चलाने का बहुत शौक है, तू गौशाला और नेशनल हाईवे की बहुत खबरें दिखाता है, आज तू अपनी ही खबर दिखाना। आपको बताते चले कि जब से देश की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है तब से पत्रकारिता जगत में सच्चे देशहित पत्रकारों पर सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्रकारों के हित के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप देते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के शासन और उन्हीं के विधायकों और सांसदों के इशारों पर पत्रकारों पर खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि शासन या प्रशासन जनहित में क्या कार्यवाही अमल में लाती है। आप देख रहे हैं बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।